हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीकली करंट अफेयर में देखिए, हम 7 से लेकर 13 अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि संडे तक 5 नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। इसमें से नोबेल ऑफ पीस की बात करें तो यह दिया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है निहोन हिदान क्यो ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन एक जापानी ऑर्गेनाइजेशन है। 2024 में इसे नोबेल ऑफ पीस से सम्मानित किया गया। देखिए, आप सभी को पता होगा जापान में कभी न्यूक्लियर अटैक हुआ था। 1945 में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया था। तो हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों ही जो शहर थे जापान के, बहुत ही प्रभावित हुए थे। इसके बाद निहोन हिदानकियो ऑर्गेनाइजेशन, ये वहाँ के लोग जो कि परमाणु हमले में प्रभावित हुए हैं उनकी मदद करने का काम करती है। और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड को ये संदेश देती है कि भैया पूरे वर्ल्ड से परमाणु बम जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए क्योंकि इसका जो परिणाम होता है बहुत ही विभत्स होता है। तो इसके लिए काम करती है निहोन हिदानकियो ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 2024 में नोबेल ऑफ पीस से सम्मानित किया गया। देखिए, शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि अदर जो नोबेल दिए गए हैं 4, वो कौन कौन से हैं। 4 अदर नोबल की बात करें तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबल की बात करें तो ये विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूकुन को दिया गया। फिजिक्स के नोबल की बात करें तो ये जॉन हॉफफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया। केमिस्ट्री का नोबल दिया गया है डेविड बेकर, डेमिस हसाबीस और जॉन एम जम्पर को। लिटरेचर के नोबल की बात करें, साहित्य के नोबल की बात करें तो ये हॉन्गकॉन को दिया गया, जो कि साउथ कोरिया की एक साहित्यकार है। तो ये अदर नोबेल 4 ये हो गए, और पांचवा हो गया नोबेल ऑफ पीस, किसे दिया गया, निहोन हिदानकियो ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वैसे देखिए, नोबेल के सेपरेट वीडियो आपको क्रेजी जीके ट्रिक पर मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया है नोबेल, या किस चीज़ के आविष्कार के लिए दिया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में भुखमरी को नापने के लिए ये इंडेक्स अलग अलग 3 डायमेंशंस का यूज़ करता है और भुखमरी को नापता है पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो देखिए 127 देशों को इस इंडेक्स में 2024 में काउंट किया गया, जिसमें इंडिया को हंगर के मामले में 105वीं रैंक पर रखा गया। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो कि हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नाम के एनजीओ के द्वारा जारी की जाती है। तो 2024 के इस इंडेक्स में 127 देशों की लिस्ट में इंडिया को 105वां स्थान दिया गया। लास्ट ईयर 2023 में जब यह इंडेक्स आया था तब इसमें 125 देशों को काउंट किया गया था और इंडिया को 111वीं रैंक पर रखा गया था। इंडिया की रैंक क्या हो गई थी, 111वीं 2023 में, और अब ये रैंक हो गई है 105। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया में जो भुखमरी की हालत है उसमें सुधार हुआ है। सबसे अंतिम स्थान पर 2024 में रखा गया सोमालिया को। तो इंडिया की बात की गई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है, 105। अब आ जाइए फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूँ। तो आप सभी के लिए देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन का PDF काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। बायलिंगुअल PDF को आप कलेक्ट कर सकते हैं, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और इसके अलावा रेलवे एग्ज़ाम 2024 के 200+ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की PDF भी आपको काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है, ये भी बायलिंगुअल है। इसके साथ आपको 1000 करंट अफेयर के MCQs भी बिल्कुल इसके साथ इंक्लूड मिलेंगे। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर एक साथ मिलने वाली है, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में है दोनों ही चीज़ें। दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर डायरेक्टली इन्हें अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको ऑफर अच्छा लगा होगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए
डिस्क्रिप्शन में दोनों की आपके पास लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस महीने में यह मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह, जिसे कहा जाता है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, यह हर साल मनाया जाता है अक्टूबर मंथ में। भारत में देखिए वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अक्टूबर माह के पहले वीक में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल ये जो वीक है ये 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया गया। वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2024 में भारत के साथ कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो मालाबार एक नेवल एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं 3 देश, जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका और इसके अलावा इंडिया, 4 देशों का संयुक्त एक नेवल एक्सरसाइज से मालाबार के नाम से 2024 में 28वां एडिशन आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तटों पर। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए, ये 28वां एडिशन है। सबसे पहली बार मालाबार नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 में की गई थी। शुरुआत में केवल इंडिया और यूएसए ने मिलकर इसे शुरू किया था और आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी इसमें ऐड किया गया। और अब 4 देशों के मध्य में, मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इनके मध्य में मालाबार नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। 28वां एडिशन आयोजित किया गया 2024 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो देखिए पहला फैक्ट तो आप ये याद रखिएगा कि उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह मध्य प्रदेश के मेहर में आयोजित किया जाता है। एमपी के सतना जिले में मेहर है, मेहर माता मंदिर एक शक्तिपीठ भी है, इसके लिए भी जाना जाता है। तो मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है और 2024 में ये 50वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही फेमस सरोद वादक हैं। ये पूछा जाता है कि किस वाद्यंत्र से संबंधित है, तो ये सरोद वादक है, मेहर घराने से है, क्योंकि मेहर के रहने वाले हैं। 1958 में उस्ताद अलाउद्दीन खां को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और 1971 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। तो दोनों ही याद रखिएगा, अवार्ड भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तो यहाँ के लिए मध्य प्रदेश के मेहर में आयोजित किया जाता है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह 50वां संस्करण। भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने वाली दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बना है? तो इंडिया की बात करें तो ये 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने वाली दुनिया की 4थी इकोनॉमी बन गया है। इसके पहले चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड, ये 3 बड़ी अर्थव्यवस्था है जिनका विदेशी भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक है। अब इसमें इंडिया शामिल हो गया है। आरबीआई ने हाल ही में सेप्टेम्बर माह के आंकड़े जारी किए हैं और इसमें बताया है कि भारत का जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार है वो 704.89 बिलियन डॉलर तक हो गया है। और इस तरीके से 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने वाली दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बना है कौन? तो यह है इंडिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद हाल ही में डीआरडीओ ने वशोरात्स डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, वशोरात्स का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए डीआरडीओ ने हाल ही में वशोरात्स डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका फुल फॉर्म होता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। है क्या? देखिए एक टैंक की तरह आपको ये दिखाई देगा। अगर भारतीय सीमा में कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन या फिर कोई भी हमला इंडिया पर होता है तो ऐसे केस में ये शॉर्ट रेंज में एयर में ही उस चीज़ को या पर्टिकुलर किसी भी ड्रोन या मिसाइल को ख़त्म करने की ये क्षमता रखती है। तो ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, वशोरात्स से नाम दिया गया है। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 8 किलोमीटर तक, मतलब 8 किलोमीटर तक ये एयर में मार करने में सक्षम है।
मतलब 8 किलोमीटर की रेंज में ये एयर के अंदर किसी भी ड्रोन को, किसी भी टारगेट को हिट करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। नाम दिया गया वशुराज्स। पूर्ण रूप क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता? ईरानी ट्रॉफी के बारे में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिता है। हाल ही में देखिए मुंबई और शेष भारत के मध्य में लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ईरानी ट्रॉफी 2024 का फाइनल खेला गया था, जिसमें देखिए मुंबई ने शेष भारत को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। तो ईरानी ट्रॉफी 2024 में विनर हो जाती है मुंबई और रनर अप हो जाती है शेष भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर है? तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024, इसका आयोजन देखिए नवंबर माह में बिहार राज्य के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया जाने वाला है और इसके शुभंकर को हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लॉन्च किया और इसका शुभंकर है गुड़िया। गुड़िया की बात करें तो बिहार का जो राज्य पक्षी है गोरैया, उसका एक प्रतीक है गुड़िया, ठीक है ना, जिसे शुभंकर या मैस्कॉट घोषित किया गया महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का 2024 में। यहाँ पर हम महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। एशियन हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 2023 में महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब इंडिया ने ही अपने नाम किया था। अब 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में। शुभंकर कौन? गुड़िया। बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको इस त्यौहार के बारे में पता होना चाहिए कि बथुकम्मा फेस्टिवल को ही पुष्पों का या फूलों का त्यौहार कहा जाता है। नॉर्मली ये मनाया जाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में तेलंगाना है क्योंकि अधिकतर बार जब भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में तेलंगाना ही हमें ऑप्शन में देखने को मिला है। तो तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्मा त्यौहार। देखिए इसका हिंदी अर्थ होता है देवी का जीवन में आना, क्योंकि जो गरबे वाली नवरात्रि आती है जो अभी गई है उसमें आपको पता है नव दुर्गा शुरू होते हैं, तो वहीं पर देवी के आगमन के रूप में बथुकम्मा त्यौहार को मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। 9 दिन तक चलने वाला ये त्यौहार है, आयोजित किया जाता है कहाँ? तेलंगाना राज्य में। इसके बाद आ गया जाइए, अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? देखिए ये किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एमपी के किसी व्यक्ति को दिया जाए, पूरे इंडिया से किसी भी व्यक्ति को किशोर कुमार सम्मान एमपी गवर्नमेंट के द्वारा या एमपी गवर्नमेंट के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जा सकता है। 2024 में 2023 के लिए किशोर कुमार सम्मान की घोषणा की गई जो कि राजकुमार हिरानी को दिया गया। राजकुमार हिरानी बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर है, 3 इडियट्स, पीके, संजू, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, डंकी, काफ़ी सारी आपने इनकी मूवीज़ देखी होगी। तो एमपी गवर्नमेंट ने राजकुमार हिरानी को किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है। आपको पता होना चाहिए कि किशोर कुमार जो कि फिल्म अभिनेता थे, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जन्मे थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 2023 में इनके नाम पर किशोर कुमार सम्मान एमपी गवर्नमेंट के द्वारा राजकुमार हिरानी को दिया गया। किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की गई? तो कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है असम सरकार के द्वारा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने कॉलेज की छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की। महिला शिक्षा को राज्य में बढ़ावा देना निजुत मोइना योजना का मुख्य उद्देश्य है। किस राज्य सरकार ने शुरू की है? असम सरकार ने। इसके बाद आगे आ जाइए, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की। दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? देखिए दीपा कर्माकर की बात करते हैं तो बहुत ही फेमस जिम्नास्ट है। एक्चुअल में दीपा कर्माकर प्रोडोनोवा, एक जिम्नास्ट की एक टेक्निक होती है, उसके लिए काफ़ी फेमस रही है। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। ये भारत के त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करती है। आंसर डी हो जाएगा।
2016 के रियो ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेल में ब्रॉन्ज मेडल से ये चूक गई थी, लेकिन प्रोडोनोवा वॉल्ट जो कि जिम्नास्ट का बहुत ही टफ वॉल्ट होता है, इसके लिए ये काफ़ी फेमस रही। खेलों के क्षेत्र में दीपा कर्माकर के योगदान के कारण इन्हें 2015 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। इसके बाद मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया 2016 में और पद्मश्री दिया गया था 2017 में। दीपा कर्माकर ने अब जिम्नास्टिक खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत के त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। के सैयद किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो के सैयद अफ्रीकी देश ट्यूनिशिया के दूसरी बार प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। 2019 में पहली बार के सैयद को ट्यूनिशिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था। अब 2024 में ये इनका दूसरा कार्यकाल है ट्यूनिशिया के प्रेसिडेंट के रूप में। ट्यूनिशिया एक उत्तरी अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल ट्यूनिश है और ट्यूनिशियाई दिनार यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। के सैयद लगातार दूसरी बार अफ्रीकी देश ट्यूनिशिया के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है? तो आप सभी को पता है हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जिसमें देखिए जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नाम की। ये उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। यहाँ पर देखिए 90 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 42 सीटें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नाम की। सेकेंड नंबर पर बड़ी पार्टी है बीजेपी जिसने 29 सीटों पर कब्जा किया। इसके अलावा अगर हम हरियाणा इलेक्शन की बात करते हैं तो हरियाणा में भी 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 48 बीजेपी ने अपने नाम की, 37 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने नाम की। तो हरियाणा में बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है। दोनों की ही सीटें और लार्जेस्ट पार्टी जो है उनकी सीटों को याद रखिएगा, काम हो जाएगा। आगे बढ़ें, पेरू के लीमा में आयोजित 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि पेरू के लीमा में 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया ने देखिए 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए और इंडिया मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा है। 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज, टोटल 24 मेडल के साथ इंडिया मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा। इस मेडल टेली में सेकेंड पर इटली और थर्ड पर रहा नॉर्वे। ठीक है, 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, निशानेबाजी की प्रतियोगिता है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ इसका आयोजन करवाता है। 2024 में आयोजन कहाँ हुआ? पेरू के लीमा में। मेडल टेली में पहले स्थान पर कौन? तो 24 मेडल के साथ इंडिया पहले स्थान पर रहा। चर्चा में रहा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है भारत के बिहार राज्य में। सुर्खियों में क्यों हैं? तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो बिहार का एक टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर? भारत के बिहार राज्य में। आगे, WHO ने भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए सम्मानित किया। ट्रेकोमा का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? तो ट्रेकोमा डिसीज की बात करें तो इससे मानव शरीर में आंखें प्रभावित होती है। आंखों से संबंधित डिसीज है ट्रेकोमा। हाल ही में WHO ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है और इस तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया में भारत ट्रेकोमा मुक्त तीसरा देश बन गया है। इंडिया के पहले नेपाल और म्यांमार भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं और अब तीसरा देश बना दक्षिण पूर्वी एशिया में जो कि ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया, यह है इंडिया। देखिए ट्रेकोमा एक इन्फेक्शनल डिसीज है जो कि आंखों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली बीमारी है ट्रेकोमा। मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो आंखें प्रभावित होती है, आंखों में सूजन आना, पानी रिसना
और जलन करना, लाल हो जाना, ये ट्रकोमा के लक्षण हैं। 44 और 45 आसियान समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? 44 और 45 आसियान समिट 2024 का आयोजन किया गया लाओस में। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान के नाम से जाना जाता है। इसकी 42 और 43 समिट का आयोजन 2023 में इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था और अब 44 और 45 आसियान समिट 2024 का आयोजन लाओस में किया गया है। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? रतन टाटा के बारे में आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये टाटा समूह और टाटा संस के अध्यक्ष थे। इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में 1937 में हुआ था। सामाजिक क्षेत्र में इनके योगदान के कारण रतन टाटा को काफ़ी सारे अवार्ड दिए गए हैं। इनमें देखिए पद्म भूषण दिया गया था सन 2000 में, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पद्म विभूषण की बात करें तो ये दिया गया है 2008 में। तो रतन टाटा को पद्म भूषण सन 2000 में दिया गया और पद्म विभूषण 2008 में दिया गया। हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हम सफ़र पॉलिसी लॉन्च की है? तो हम सफ़र पॉलिसी को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में हम सफ़र पॉलिसी को लॉन्च किया। देखिए हाईवे पर जितने भी वाहन चालक होते हैं उनके लिए नॉर्मली रेस्ट एरिया के रूप में, फूड कोर्ट के रूप में और अच्छे शौचालय स्थापित करने के उद्देश्य से हम सफ़र पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो यात्रा की सुविधा को बढ़ाना, जितने भी वाहन चालक है उनके लिए एक अच्छी यात्रा को सफल बनाना हम सफ़र पॉलिसी को लॉन्च किए जाने का उद्देश्य है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा हाल ही में हम सफ़र पॉलिसी को लॉन्च किया गया। तो आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की, राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? राफेल नडाल के बारे में आप सभी ने सुना होगा फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं स्पेन के। हाल ही में देखिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेलों से संन्यास की घोषणा की है। राफेल नडाल ने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए, इनमें से 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। इसके अलावा 14 इन्होंने फ्रेंच ओपन अपने नाम किए, 2 विंबलडन अपने नाम किए और 4 यूएस ओपन भी इन्होंने अपने नाम किए। इस तरीके से ऑल ओवर 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं राफेल नडाल ने। स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। विमेंस T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर कौन बनी? तो विमेंस T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर बनी है शेफाली वर्मा। भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने T20 विमेंस क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन अपने नाम किए हैं। शेफाली वर्मा ने देखिए ये जो रन हैं 20 साल 255 दिन की एज में पूरे कर लिए। इस तरीके से विमेंस T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन शेफाली वर्मा ने अपने नाम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिल्टन तूफान ने किस देश को प्रभावित किया? तो मिल्टन तूफान हाल ही में हमें उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिला, जिसने सबसे ज्यादा अमेरिका को प्रभावित किया है। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में फ्लोरिडा शहर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है मिल्टन तूफान ने। तो किस देश को प्रभावित किया? तो यह हो जाएगा अमेरिका। 38th राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38th नेशनल गेम्स का आयोजन 2025 में किया जाएगा उत्तराखंड राज्य में। इसके पहले 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था गोवा में। तो दोनों को याद रखिए, भारत के सभी राज्यों के मध्य होने वाली प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1924 में की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ नेशनल गेम्स का आयोजन करवाता है। 37वें नेशनल गेम्स जो कि 2023 में आयोजित किए गए थे उसमें मेडल टेली में महाराष्ट्र राज्य पहले स्थान पर था और अब 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन 2025 में उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने वीकली करंट अफेयर में 7 से लेकर 13 अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर को, जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।